हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ के लोगों में खान पान, पहनावा, बोलचाल, आचार विचार के हिसाब से अनेक विविधताएं देखने को मिलती हैं। हमारे देश के लोग भी विविध धर्मों को मानते हैं, इसलिए उनकी परंपराएं भी विविध हैं। हिंदू धर्म की एक परंपरा के अनुसार अनेक मंदिरों में देवी देवताओं का गाय के दूध से अभिषेक होता है, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि कोई गाय स्वयं अपने दूध से किसी देवी या देवता का अभिषेक करे? आज हम हमारे चैनल दर्शन के माध्यम से आपको देवी माँ के एक ऐसे ही मंदिर के दर्शन करवाएंगे, जहाँ प्राचीन काल में गौ माता स्वयं अपने दूध को विसर्जित कर देती थी। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र स्थित देवी माँ के एक ऐसे ही मंदिर की यात्रा पर। माता का ये मंदिर कालकाई मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जो महाराष्ट्र के पुणे जिले की खेड़ तहसील में है। खेड़ तहसील वैष्णव संप्रदाय के एक जाने माने संत श्री संताजी जनगाड़े की जन्मस्थली होने के कारण प्रसिद्ध है। खेड़ तहसील में मुंबई गोवा मार्ग पर एक छोटा सा गांव है, भरणे। देवी कालकाई इसी गांव के कालकाई मंदिर में विराजमान है। चलिए अब हम आपको माता कालकाई के दिव्य स्वरूप के दर्शन करवाते हैं। माता कालकाई का मंदिर बाहर से ही बहुत भव्य दिखाई देता है। मंदिर के सामने ही माता को भेंट करने के लिए फूल, प्रसाद, चुनरी इत्यादि की दुकानें सजी रहती हैं। मंदिर का सुंदर सा मेहराबदार मुख्य प्रवेश द्वार पार करके आप मंदिर के विशाल तथा शांतिदायक परिसर में प्रवेश कर जाएंगे। एक छोटा सा गलियारा पार करते ही सीधे हाथ की ओर मंदिर का मुख्य भवन बना हुआ है। परिसर में एक बड़ा सा मंच भी बनाया गया है, जिसके सामने लोगों के बैठने के लिए विशाल स्थान है। भक्तों को धूप बारिश से बचाने के लिए इस पूरे स्थान को शेड लगाकर ढका गया है। मंदिर के पीछे एक भवन भक्तों के निवास के लिए निर्मित किया गया है। भवन के पास एक खुला स्थान है, जिसमें विभिन्न पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। परिसर के मध्य में बना हुआ मुख्य मंदिर का भवन 3 मंजिला है, जिसके भूतल पर ही कालकाई माता का मंदिर है। इस भवन के द्वार के ठीक सामने एक गोलाकार चबूतरा बना हुआ है, जिसके शीर्ष पर कमल के फूल के आकार के कुंडे में तुलसी का पौधा लगा हुआ है। लकड़ी के अनेक पर्लों वाले द्वार में से भवन में प्रवेश करते ही आप एक विशाल और सुंदर हॉल में पहुंच जाएंगे। इस हॉल में बड़ी बड़ी खिड़कियां लगी होने के कारण ताजा हवा की आवाजाही बनी रहती है। हॉल के ठीक सामने आपको मंदिर का गर्भगृह दिखाई देगा, जहां देवी कालकाई माता विराजमान है। इस मंदिर में माता का दिव्य विग्रह रजत वर्ण का है और लकड़ी के सुंदर सिंहासन पर स्थापित है। भक्त देवी मां की परिक्रमा कर सके, इसके लिए गर्भगृह के आसपास तथा पीछे की ओर गलियारा बनाया गया है। परिक्रमा मार्ग पर गर्भगृह के पीछे बने कक्ष में एक पेड़ का तना दिखाई देता है, जिसके प्रसार के लिए छत में उचित जगह छोड़ी गई है। इस पेड़ के नीचे गौ माता की बड़ी ही सजीव प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसके नीचे शिवलिंग तथा नंदी जी दिखाई देते हैं। गौ माता की ये प्रतिमा मंदिर से संबंधित एक कथा को दर्शाती है। बहुत साल पहले इस स्थान पर एक घना जंगल हुआ करता था। आसपास के गांव के चरवाहे अपने मवेशियों को यहां चराने के लिए लाया करते थे। इन्हीं मवेशियों में से एक गाय मंदिर के इस स्थान पर आकर खड़ी हो जाती थी और एक पत्थर पर अपना दूध विसर्जित कर देती थी। एक दिन चरवाहे ने इस घटना को देख लिया और गांव वालों को सूचित कर दिया। जब गांव वालों ने इस घटना की पुष्टि की, तब उन्हें ये विश्वास हो गया कि इस स्थान पर कोई दैवीय निवास है। इसी विश्वास के आधार पर गांव वालों ने मिलकर इस स्थान पर एक मंदिर बनवा दिया। समय के साथ इस स्थान पर लोगों की श्रद्धा और भी बढ़ती गई
और मंदिर प्रशासन के पास धनराशि इकट्ठी होती गई। लगभग 150 वर्ष पूर्व इस मंदिर का वृहद स्तर पर जीर्णोद्धार हुआ। उसके बाद धीरे धीरे भक्तों के सहयोग से यहाँ और भी काम होते रहे, जिसके कारण आज यहाँ ये भव्य मंदिर दिखाई दे रहा है। इस मंदिर में अनेक भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर माता के दर्शन करने आते हैं। नवरात्रियों के अवसर पर इस मंदिर में विशेष सजावट तथा उत्साह देखा जा सकता है। नवरात्रि उत्सव के दौरान मुंबई, पुणे और थाने सहित पूरे महाराष्ट्र से भक्त मां कालकाई माता के दरबार में खींचे चले आते हैं। इस अवसर पर यहां सुबह से लेकर देर रात तक भक्तों तथा धार्मिक यात्रियों का तांता लगा रहता है। मंदिर में प्रतिदिन मंगला आरती सुबह 7 बजे तथा शयन आरती रात्रि 8 बजे होती है। अनेक स्थानीय लोग मंदिर की दोनों आरतियों में नियम के साथ वर्षों से अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। दोस्तों, मां कालकाई के मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको महाराष्ट्र की खेड तहसील में आना होगा। यदि आप हवाई मार्ग से आते हैं तो आपको मुंबई अथवा पुणे के एयरपोर्ट पर उतरकर रेल अथवा सड़क मार्ग से यहां तक आना होगा। आप ट्रेन के द्वारा भी खेड़ आ सकते हैं। मुंबई तथा पुणे से आपको खेड़ के लिए नियमित ट्रेनें मिल जाएंगी। खेड़ से आपको फिर भड़ने नाका तक यात्रा करनी होगी। यदि आप सड़क मार्ग से यहां तक पहुंचना चाहते हैं तो खेड़ तहसील का भड़ने गाँव मुंबई गोवा राजमार्ग पर ही पड़ता है। भड़ने नाका से मंदिर की दूरी मात्र 10 मिनट की है। तो दोस्तों, अगर आपको खेड़ स्थित श्री कालकाई माता मंदिर को समर्पित हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर हमारे तिलक परिवार का हिस्सा बने। जल्द ही आपसे एक अन्य पवित्र स्थल की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। जय माता दी।